वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो आज का हमारा टॉपिक है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल। तो समाकलन द्वारा क्षेत्रफल या एरिया बाय इंटीग्रेशन, इसको इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं, एरिया बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यदि आपको अभी तक आता है, नहीं आता तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा इंटीग्रेशन को कवर किया है। यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो इस टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको समाकलन कवर्ड है, आपका समाकलन टॉपिक अच्छे से कवर है, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें पहले वन बाय वन मैं स्टेप बताऊंगा कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है वाई बराबर एम एक्स, एक्स अक्ष एवं कोटि एक्स बराबर दो के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें बनाना पड़ेगा फिगर या ग्राफ। आप सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष को ड्रॉ कर लें या बना लें। x अक्ष ये होता है, या इसे x एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक, और ये y एक्सिस होता है, ठीक है, y एक्सिस या y अक्ष, ठीक। अब इसमें क्या गिवन है हमें, y बराबर mx। अब जिनको ये पता हो y बराबर mx क्या होता है तो ठीक है, जिन्हें ये जानकारी नहीं है कि y बराबर mx क्या होता है तो वो एक बार देख लें। y बराबर mx जो होता है, y बराबर mx जो होता है, ये एक रेखा का समीकरण होता है या लाइन का इक्वेशन होता है। क्या होता है, रेखा का समीकरण या इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है। और ये किस लाइन का समीकरण होता है, ये होता है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। कहाँ से, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। यहाँ से जो रेखा जाएगी वैसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु से पाने वाली रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx, ठीक है। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा, मूल बिंदु 0, 0 से जाने वाली रेखा x अक्ष। अब x अक्ष तो ये है, तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा ऐसे बना लो, y बराबर mx एक रेखा का समीकरण, ये बनी रेखा, ठीक। अब y बराबर mx रेखा ये है, ठीक, ये हमने बना ली। अब और क्या गिवन है, x अक्ष। अब x अक्ष कौन सा है, ये अक्ष है। हमें पहले पता होना चाहिए ना हमें कौन सा हमें क्षेत्र को पता करना है या किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हमें आयत का पता रहता है, वर्ग का पता रहता है, त्रिभुज का पता रहता है, इनके हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, वैसे ही अब यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है उसका हमें पता होना चाहिए ना, कि कैसे कौन सी आकृति का हमें पता करना है क्षेत्रफल। तो अब हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष ये हो गया, ये पूरी लाइन एक्स अक्ष है। और क्या गिवन है, और गिवन है कोटि एक्स बराबर दो। कोटि भुज इसको बोलते हैं, भुज ये होती है, कोटि ये होती है। कोटि एक्स बराबर दो, एक्स बराबर दो कहाँ पे आएगा, एक्स बराबर दो, एक्स इक्वल टू वन यहाँ पे होगा, 1, 0। वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है एक्स अक्ष पे हमेशा, यहाँ पे 2, 0 होगा, 2, 0। अब एक्स बराबर दो, x बराबर दो यहाँ पे भी होगा, x बराबर दो यहाँ पे भी होगा, y बराबर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट x तो हमेशा बराबर ही रहेगा। x बराबर दो यहाँ पे भी रहेगा, x बराबर दो यहाँ पे भी रहेगा, x बराबर दो यहाँ पे भी रहेगा, x बराबर दो यहाँ पे रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे y का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे y का वैल्यू घटता जाएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू 0 है। तो x बराबर दो लाइन ड्रॉ कर ली, ऐसे बनेगी x बराबर दो, ये बन गई, इसको क्या नाम देंगे, x बराबर दो। अब हमें पता चल गया हमें कौन सी आकृति का क्षेत्रफल पता करना है। देखो y बराबर mx ये थी, x अक्ष ये था, ठीक, और x बराबर दो ये आ गया। तो हमें ये जो त्रिभुजाकार आकृति a b c मिल रही है, इसका हमें क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसे हमें हर क्वेश्चन में पहले फिगर बनाना पड़ेगा, तभी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो रेखांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक।
अब क्षेत्रफल ज्ञात करने की दो मेथड हैं, ठीक है। पहला मेथड, अगर आपसे बोला जाए कि सीधे क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ये क्या बन रही है, ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2, समकोण त्रिभुज बन रहा है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। इसको क्या बोलते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है यहाँ पे? बेस देखो, इसकी यहाँ से कितनी लंबाई है? 0 से 2 तक, तो 2। और हाइट कितनी है? देखो, यहाँ से हमें हाइट नहीं पता है, तो हाइट कैसे पता चलेगी? ये वाई बराबर एम एक्स लाइन है, और ये एक्स बराबर टू है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? एक्स बराबर टू रखने पे 2m। तो ये जो बिंदु ए है, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2, 2m, यानी कि ए बी की लंबाई कितनी हो गई? ए बी की लंबाई हो गई, ये लंबवत लंबाई हो गई 2m, तो ये आया 2m, 2 से 2 गया 2m। क्षेत्रफल हमेशा कैसे होता है? स्क्वायर में होता है, या इसको बोलते हैं वर्ग इकाई, ये कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी। ये तो हो गया मेथड नंबर वन। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर रहे। मेथड नंबर टू में हम सीखेंगे समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, जो हमारा टॉपिक है, समाकलन द्वारा क्षेत्रफल। लेकिन समाकलन द्वारा क्षेत्रफल के लिए हमें ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, जिनको यहाँ पे अगर बनाना नहीं आ रहा है उनको फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या बनाया था, एक बार फिर देख लो। पहले हमने एक्स अक्ष बनाया था, फिर हमने वाई अक्ष बनाया था, फिर हमें जो रेखा गिवन थी वाई बराबर एम एक्स, तो वाई बराबर एम एक्स रेखा बना ली थी, ये हो गई। फिर हमें गिवन क्या गिवन था? एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष ये हो गया। हमें कोटि एक्स बराबर दो, तो एक्स बराबर दो ये हो गई। ये बिंदु, ये मूल बिंदु होते हैं, इसके निर्देशांक 0, 0। ये बिंदु के निर्देशांक 2, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई की वैल्यू शून्य होती है। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? हमेशा शून्य होते हैं। तो ये 2, 0, ये वाई बराबर एम एक्स थी, तो एक्स के कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 2 थे, और वाई बराबर क्या था? एम एक्स। तो वाई के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? वाई बराबर एम एक्स था, और एक्स बराबर क्या था? 2। तो यहाँ पे रख दो, तो एम की जगह एम और एक्स की जगह 2, तो वाई बराबर 2m आया। y बराबर क्या आया? 2m। तो ये इसके निर्देशांक आ गए। अब इसके एरिया के फाइंड आउट करने के इसमें भी दो मेथड हैं, लेकिन अब हम पहले पहला क्वेश्चन है तो चलेंगे। अब देखो, समाकलन द्वारा क्षेत्रफल आता कैसे? जैसे मैं एक यहाँ पे ये एक पट्टी ले लूँ, पट्टी को स्ट्रिप बोलते हैं, ये पट्टी मैंने ले ली छोटी सी, ठीक, ये पट्टी ले ली, और ये एक्स अक्ष है, तो मैंने इसकी जो छोटी सी पट्टी है इसकी जो चौड़ाई ली, ये डी एक्स ले ली। क्या ले ली? डी एक्स, स्मॉल डी एक्स। क्या ली? स्मॉल डी एक्स। अब एक बात बताओ, ये पट्टी अगर शून्य से चल के 2 तक जाए, ये पट्टी शून्य से लेके ऐसी कितनी पट्टी है? ऐसी सारी पट्टियां, देखो ऐसी एक ये दूसरी पट्टी है, इसकी लंबाई भी डी एक्स है, ऐसी ये तीसरी पट्टी है, ऐसी बहुत सी पट्टियों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, इन सब का, जैसे इस पट्टी का एरिया, इस पट्टी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये सारों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए, तो ये पूरे जो भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम कैसे पता करते हैं? क्षेत्रफल जो होता है, ठीक, उसका जो जैसे बन के आता है, वो कैसे बन के आता है? देखो, यहाँ पे हम कहाँ से चल रहे हैं? एक्स अक्ष पे चल रहे हैं। एक्स अक्ष पे कितना जा रहे हैं? 0 से जा रहे हैं 2 तक। कहाँ से जा रहे हैं? 0 से जा रहे हैं 2 तक। कहाँ तक? एक्स अक्ष में 0 से 2 तक जा रहे हैं। देखो, 0 से 2 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो लिमिट आती है वो आती है 0 से 2, ठीक। जा कहाँ पे रहे हैं? एक्स अक्ष पे जा रहे हैं। और जो हमारी क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा
लंबाई गुणे चौड़ाई, इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या आएगा, इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो हाइट होती वो क्षेत्रफल आ जाता, तो dx। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा है कि यहाँ पे 0 से 2 हमें चलना तो x की दिशा में है, लेकिन कैसे चलना है, इस लाइन को लेते हुए चलना है, इस लाइन के ऊपर ही चलना है, तो यहाँ पे आता है y dx। जैसे कि अगर हम x अक्ष पे चल रहे हों, x अक्ष पे चल रहे हों, तो हमेशा फॉर्मूला जो होता है वो होता है a टू b y dx या फंक्शन ऑफ x dx। और क्या होता है, a टू b f x dx। अब देखो y dx चलना है, हमें चलना y लाइन पे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 y लाइन पे चलना है, 0 से 2। y बराबर क्या मिल रहा था हमें, y बराबर था हमारा mx, तो यहाँ पे रख दो mx dx। क्या रख दिया, mx dx। अब m तो कांस्टेंट है, अब साधारणतया जैसे आप निश्चित समाकलन करते हैं वैसे ही इसको परफॉर्म करेंगे, तो m तो कांस्टेंट है, तो m कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया 0 से 2 x dx। x का समाकलन क्या होता है, x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 या x स्क्वायर बटे 2 0 से 2। लिमिट पुट करते ही क्या जाएगा, 2 × 4/2 माइनस 0, यानी है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये आ गया 2m वर्ग इकाई। क्या आ गया, 2m वर्ग इकाई। क्या आ गया, 2m वर्ग इकाई। ये आ गया क्षेत्रफल इस पूरे का। तो ये डायरेक्ट आज ये जो फार्मूले आते हैं ये इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं समाकलन द्वारा क्षेत्रफल से ही ये सारे फार्मूले ड्राइव होते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा, जो भी डाउट रह जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा लेक्चर देखेंगे, और इस वीडियो को समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखो ऑनलाइन में क्या है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को नोट करते हुए चलना पड़ेगा, और ऐसे ही आप ऑफलाइन में ही करते हैं, बट अंतर ये हो जाता है कि वहाँ सामने टीचर रहता है, यहाँ सामने टीचर नहीं है। फिर भी देखिए, आपको कमेंट में अगर बता सकें डाउट तो हो सकता है मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करूंगा।